जी चंद दो लाइनों से आप समापन। ये चार लाइनें मैं सभी युवाओं को समर्पित करती हूँ मेरी तरफ से कि जाने क्या खासियत है मेरे वजूद की, जाने क्या खासियत है मेरे वजूद की, ये रेत सी दिखती है पर आंधी समेट लेती है। जाने क्या खासियत है मेरे वजूद की, ये रेत सी दिखती है पर आंधी समेट लेती है। चलता है तूफान तो हौसलों की सांस बनकर, चलता है तूफान तो हौसलों की सांस बनकर, तलवों में उड़ान भरती है पर्वत लांग लेती है। मैं मोम सा जलती हूँ रोशनी की खातिर, मैं मोम सा जलती हूँ रोशनी की खातिर, ये ना समझना कि पिघलना मेरे कमज़ोर काया की निशानी है। मैं मोम सा जलती हूँ रोशनी की खातिर, ये ना समझना कि जलना पिघलना मेरे कमज़ोर काया की निशानी है। अंगार है सीने में तो धड़कना तो लाजमी है, अंगार है सीने में तो धड़कना तो लाजमी है, ये मोम सी शख्सियत ज्वालामुखी भी बांध ले। देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम, हम शंभु शरण। गोरखपुर जनपद में यदुकुल समागम हुआ है, यदुकुल शिरोमणि समागम 2022 का, जिसमें श्रीकृष्ण सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे देश के तमाम दिग्गज यदुकुल घराने से आए थे, यदुवंश घराने से आए थे। यहाँ पे नामी गिरामी लोग इकट्ठा थे, जो कि यहाँ पे मुख्य अतिथि थे परमवीर चक्र विजेता श्री युगेंद्र सिंह यादव जी, जो अभी इसमें तमाम आर्टिस्ट भी मौजूद थे तमाम मीडिया घराने से, जिसमें एक कलाकार यहाँ पे हैं जो मेरे सामने खड़ी हैं। इनका आप खुद ही बताएं कि आप किन किन मंचों पे कार्य करके आई हैं, यहाँ पे आपको सम्मान किया गया है, सम्मानित किया गया है, आपको बड़ा सम्मान दिया गया है, आज जो यदुकुल शिरोमणि सम्मान मिला आपको कैसा लगा? जी नमस्कार, मेरा नाम वादिनी यादव है और ये पहला ऐसा माहौल है जो यदुकुल के लिए बना हुआ है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे समाज ने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है। और मैं बचपन से ही साहित्य में इंटरेस्टेड थी, मैं कई सालों से कई मंचों पर उसमें एक्टिव हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ, मैं दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और FTII जो कि ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे का, वहाँ जॉब कर चुकी हूँ, वहाँ मैंने कविता भी पढ़ी है, वहाँ मुझे कविता के बेस पर ही जॉब मिली थी, अच्छी बात ये है। और मैं मीडिया में भी एक्टिव हूँ और इस समय मैं रंगकर्म में एक्टिव हूँ। वादिनी जी, आपको कैसा लग रहा, चूँकि आज तमाम आपको सम्मान मिला होगा आपके कार्यों के माध्यम से, आपने जो किया होगा समाज को, जो दिया होगा उनमें तमाम आपको मिला होगा सम्मान, लेकिन आज जो यदुकुल समागम शिरोमणि या श्रीकृष्ण सम्मान से आपको सम्मानित किया गया अपने घर में, वो कैसा लग रहा है? जी देखिए, किसी भी बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि घर में जो सम्मान मिलता है। मुझे ऐसा समाज का कोई तबका नहीं जहाँ से, पहले मुझे यूथ आइकन सम्मान मिला था समाज सेवी की तरफ से, और भी दूरदर्शन वगैरह से सम्मानित किया गया, लेकिन जब पहली बार यादव समाज ने किया, जब अपने घर का बच्चा यहाँ सम्मानित होता है तो यादव में बहुत खुशी होती है। और मुझे सच में आज बहुत ही ऊर्जा महसूस हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा अपने परिवार के प्रति अब जो है और कर्तव्य बढ़ जाता है कि मुझे इस परिवार को और आगे और ऊंचा कैसे लेके जाना है। वादिनी यादव का और क्या सपना और क्या विजन हो सकता है आज, चूंकि और एनर्जी और पावर और ऊर्जा आपको मिला है, सपना आपका क्या हो सकता है और बड़ा करने का? जी सच बताऊं तो मुझे इतनी ऊर्जा मिली है कि मुझे लगता है ये प्रोग्राम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और जितने युवा थे मुझे उनको मैसेज भी देना था कि हमें इस देश को बहुत आगे समाज को ले जाना है, अपने समाज के थ्रू और अपने समाज को भी, तो मुझे ये ऊर्जा मिली है। और मैं कहना भी चाहती थी दो लाइन जो मैं कह नहीं पाई, और मैं ये कहूँगी कि मुमकिन है चोटिल हुए हो तुम भी किस्मत की मार से, मुमकिन है चोटिल हुए हो तुम भी किस्मत की मार से, पर तुम खामोश हो गए हम सरफरोश हो गए। ये मेरी लिखी हुई दो लाइनें हैं जो सारे युवा समाज के लिए है, मेरी तरफ से यादव समाज के लिए है और पूरी दुनिया के लिए है। वादिनी जी, जो सर्वश्रेष्ठ एक्टिंग अभिनय आपने किया, वो सबसे किस थीम में, कहाँ पे आपने किया जो सर्वश्रेष्ठ रहा हो, थोड़ा सा उसके? जी रंगकर्म में मैं बचपन से इंटरेस्टेड थी, लेकिन होता है ना कि परिवार का एक माहौल कि एक तो लड़की है इस फील्ड में कैसे जाएगी, रंगकर्म में तो मैं 2-3 साल ही अभी एक्टिव हुई हूँ, लेकिन मेरा भविष्य किस्मत अच्छी थी मेरी कि मुझे NTV में मौका वारदात में एक छोटा सा शो करने का मिला है। अभी तो ये शुरुआत है और आगे देखिए कहाँ तक जाता है ये। वादिनी जी, आपके घर में, परिवार में और कौन है आपके पीछे, आपके भाई बहनों में जो आपको माहौल क्रिएट हो पा रहा है? देखिए माहौल तो मैं सच बताऊँ तो नहीं क्रिएट हो रहा, लेकिन ठीक है, अपने अंदर अगर श्री कृष्ण जी ने ये दिया है, मुझे ये टैलेंट दिया है, तो मैं उसे आगे बढ़ाऊंगी। हाँ, माता पिता का, समाज का और यदुकुल का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना हुआ है, और आज से मुझे लग रहा है कि अब आगे भी बना रहेगा, मैं समाज को बहुत आगे ले जाऊंगी। आखिरी दो लाइनों से किसी कविताओं से समापन करते हैं।
दो लाइन तो ये मैंने यही कह जी, चंद दो लाइनों से आप समापन। ये चार लाइनें मैं सभी युवाओं को समर्पित करती हूँ मेरी तरफ से, कि जाने क्या खासियत है मेरे वजूद की, जाने क्या खासियत है मेरे वजूद की, ये रेत सी दिखती है पर आंधी समेट लेती है। जाने क्या खासियत है मेरे वजूद की, ये रेत सी दिखती है पर आंधी समेट लेती है। चलता है तूफान तो हौसलों की सांस बनकर, चलता है तूफान तो हौसलों की सांस बनकर, तलवों में उड़ान भरती है पर्वत लांग लेती है। मैं मोम सा जलती हूँ रोशनी की खातिर, मैं मोम सा जलती हूँ रोशनी की खातिर, ये ना समझना कि पिघलना मेरे कमज़ोर काया की निशानी है। मैं मोम सा जलती हूँ रोशनी की खातिर, ये ना समझना कि जलना पिघलना मेरे कमज़ोर काया की निशानी है। अंगार है सीने में तो धड़कना तो लाजमी है, अंगार है सीने में तो धड़कना तो लाजमी है, ये मोम सी शख्सियत ज्वालामुखी भी बांध लेती है। क्या बात है, बहुत बहुत। आप देख रहे थे वाधिनी यादव को, गोरखपुर की बिटिया, होनहार बिटिया, जो एंकर है, पत्रकार भी है और अभिनेत्री भी है, रंगकर्मी है, कवित्री भी है। एक होनहार बिटिया को आप यहाँ पे देख रहे थे। ये समागम था यदुकुल शिरोमणि समागम, श्रीकृष्ण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। कैमरा पर्सन राजदीप संग, मैं शंभु शरण, देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम।